नमस्ते दोस्तों, सरल बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं साइनस इस बीमारी के बारे में। साइनस ये एक ऐसी गंभीर समस्या होती जा रही है डे बाय डे। यंग हो या ओल्ड हो, हर एक को ये प्रॉब्लम आ रही है। और ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें सर दर्द इतना तेज़ होता है कि इंसान के लिए अनबेरेबल हो जाता है। इसलिए आज हमने सोचा कि इस टॉपिक पर डिस्कस करें। और स्पेशली साइनस का जो ट्रीटमेंट है वो एक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, उसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि होम्योपैथिक का साइड इफेक्ट्स नहीं होता है, और होम्योपैथिक की क्या इंपॉर्टेंस है, और साइनस के लिए कितना अच्छा रेमेडी है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, इसके लिए आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर पद्मजा चौधरी से। डॉक्टर पद्मजा चौधरी एक PHMS हैं जो कि होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। इसके अलावा डाइट एंड न्यूट्रिशन कंसल्टेंट भी हैं। आइए हम मिलते हैं डॉक्टर पद्मजा चौधरी से। डॉक्टर पद्मजा, आपका स्वागत है। हेलो डॉक्टर, जैसे कि हमें पता है कि साइनस से बहुत सीवियर पेन होता है इसमें, और व्यक्ति को बहुत परेशान करती है ये बीमारी, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि साइनस एक्चुअली होता क्या है। साइनस आजकल एक बहुत ही कॉमनली फाउंड बीमारी है। मैं आपको बताऊंगी साइनस क्या रहता है, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं, साइनसाइटिस हम बोलते हैं उसको। साइनस तो एक नॉर्मल है जो हमारे सबके बॉडीज में रहता है। उसकी वजह से जो होता है साइनसाइटिस, तो किस वजह से होता है, कौन से सिम्टम्स उसके रहते हैं, और कैसे हम होम्योपैथी से उसको पूरा खत्म कर सकते, इसके बारे में आपको मैं आज बताऊंगी। तो साइनस होते हैं एयर फिल्ड होलो कैविटीज इनसाइड आवर ब्रेन, इनसाइड आवर स्कल, ओवर द फेस बोन्स। मैं आपको बताऊंगी, ये हमारा फेस रहता है, तो स्कल में 4 types ऑफ साइनस रहते हैं अकॉर्डिंग टू द बोन्स जहाँ पे वो सिचुएटेड है। जैसे कि ये फ्रॉन्टल साइनस है, ये जो दिख रहा है आपको, ये नॉर्मल फ्रॉन्टल साइनस है जो ओवर द फोरहेड अबाउ योर आईज है। सेकेंड टाइप ऑफ साइनस इथमॉर्डल साइनस है जो नोज के दोनों बाजू के हिस्से में रहता है, 3 pairs रहते हैं उसके, ये इथमॉइड साइनस है। स्फिनॉइड साइनस है जो आंखों के पीछे के कैविटीज में रहता है। अच्छा, जब यहाँ दर्द होता है बहुत ज्यादा, तो अकॉर्डिंग टू द साइनस अफेक्टेड आपको सिम्टम्स दिखाई देंगे। और सबसे लास्ट होता है मैक्सिलरी साइनस जो चीक बोन्स के अंदर रहता है, ये जो दिखता है यहाँ पेन आता है। तो ये सब साइनस 4 types है। ये सब साइनस में नॉर्मली क्या होता है कि एक मेम्ब्रेन रहता है, लेयर रहता है एक, जिसमें म्यूकस प्रोडक्शन रहता है। तो म्यूकस का नॉर्मल फंक्शनिंग क्या रहता है, अपने नोज को मॉइस्ट रखता है, ल्यूब्रिकेशन देता है, ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, और जो डस्ट के थ्रू बैक्टीरिया वायरस जो आते हैं एंटर करते हैं नोज को, उनको वो एनगल्फ करता है, ट्रैप करता है, और जब हम नोज ब्लॉक करते हैं तो बॉडी में से फेंक देता है। ये हो गया नॉर्मल हेल्दी साइनस। और जो जब बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन होता है जैसे कि कॉमन कोल्ड, या तो फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, या बहुत सारे रीजंस रहते हैं, तो ऐसे इन्फेक्शन के टाइम में ये जो म्यूकस प्रोडक्शन होता है जी, वो बहुत ज्यादा होता है। ये जो दिखता है आपको यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है म्यूकस का, और वो जो ड्रेन होना चाहिए वो ड्रेनेज ब्लॉकेज हो गया उसका, सब म्यूकस यहाँ पे ट्रैक हो जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ रेडनेस एंड स्वेलिंग, ये देखते हैं आप, मतलब लाइनिंग में रेडनेस आ जाता है साइनस के, और स्वेलिंग हो जाता है, एंड दैट इज द थिंग कॉल्ड साइनसाइटिस। ओके फाइन। तो ये हेल्दी साइनस है, ये साइनसाइटिस है बिकॉज ऑफ सब म्यूकस भर गया है यहाँ पे जी। इसके बहुत सारे रीजन है, इसका सबसे लीडिंग कॉज एलर्जीज है। आजकल एलर्जीज इज अ साइन ऑफ वीकेंड इम्यूनिटी, आपके बॉडी की इम्यूनिटी बहुत ही लो है बिकॉज ऑफ द फूड हैबिट्स, लाइफ स्टाइल, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, बहुत ही कॉमन है। इसके लिए एलर्जीज झट से आपके बॉडी को कैच कर जाते हैं, एंड दैट इज द लीडिंग रीजन ऑफ साइनसाइटिस। और बाकी के रीजंस पैथोलॉजिकल है, जैसे कि नेजल पॉलिप्स रहते हैं अंदर नोज के, ग्रोथ रहते हैं नॉन कैंसरस, या तो फिर डेविएटेड नेजल सेप्टम हम बोलते हैं, नेजल वॉल थोड़ा डेविएट हो जाता है, ये भी कॉमन कॉजेस है साइनसाइट। बट कॉमनेस्ट कॉज है कॉमन कोल्ड जो एलर्जीज की वजह से होता है। आपने जो भी बोन की बात की है, तो जैसे होम्योपैथी में तो हम लोग कोई ऑपरेशन नहीं बताते हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मल किसी डॉक्टर के पास जाएं और कंसल्ट करें कि साइनस का प्रॉब्लम, अगर वो बताते तो वो ऑपरेशन बताते हैं, तो क्या वो बहुत ही सीवियर आपका है, क्रॉनिक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है।
साइनस के लिए FESS करके एक फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी ऐसे एक सर्जरी रहती है जिसमें वो ये ब्लॉकेजेस सब आपका ड्रेन जो होता है वो वाइडन करते हैं एंडोस्कोप के थ्रू सो दैट वो इजी हो जाता है. ओके बट दैट इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन. अच्छा जैसे मैंने आपको बोला एलर्जी की वजह से ये ज्यादातर होता है जी. तो यू क्योर द एलर्जी का एलिमिनेट दैट कॉज कि आपको एलर्जी ना हो आप आपके बॉडी को स्ट्रांग बनाओ. Right. जो होम्योपैथिक दवाइयाँ करती है इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग करती है. दैट इज माई सर्जरी इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन. अभी मैं आपको बताती हूँ इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं. okay. जैसे मैंने बोला अकॉर्डिंग टू द एरिया अफेक्टेड ऑफ साइनस सबसे कॉमनेस्ट कॉज सबसे कॉमनेस्ट सिम्टम हेडेक रहता है जी. हैवीनेस रहता है बहुत हेड में. आप झुको तो ऐसे लगता है बहुत सारी भारी चीजें भरी है मेरे हेड में. right. तो पेन प्रेशर हैवीनेस इन द हेड. फिर यहाँ का एरिया अफेक्ट होता है तो पेन इन द चीक बोन्स पेन इन द आईज कभी कभी आईज का स्वेलिंग आ जाता है और हैवीनेस आता है सब ये एरिया में चीक बोन्स में टीथ अपर जॉ सीवियर केसेस में होता है. अच्छा और नेक्स्ट सिम्टम रहता है नोजल ब्लॉकेज रहता है बहुत ही म्यूकस भरने की वजह से. और फिर आपको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इज ऑल्सो देयर लाइक ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स इट विल हैपन. एंड अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स ये जो मैं बता रही हूँ सिम्टम्स के हिसाब से sinusitis इज थ्री टाइप्स. वी डिवाइडेड इट अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स वी गेट लाइक अप टू 4 weeks इफ वी हैव द सिम्टम्स वी कॉल इट एक्यूट sinusitis. एक्यूट इज फॉर द टेम्पररी पीरियड. सब एक्यूट रहता है जो मोर देन 4 to 12 weeks सब एक्यूट sinusitis एंड मोर देन 12 weeks इफ इट परसिस्ट दैट इज कॉल्ड वी कॉल इट क्रॉनिक sinusitis. ओके उसके सिम्टम्स फिर आगे आगे वी गेट मोर सिम्टम्स लाइक नोज से येलोइश थिकिश ग्रीनिश डिस्चार्ज आता है बहुत सारा. फीवर रहता है फटीग टायर्डनेस पोस्ट नेजल ड्रिप वी कॉल दैट इज म्यूकस फॉल्स फ्रॉम द बैक ऑफ योर नोज इन टू योर थ्रोट दैट इज कॉल्ड पोस्ट नेजल ड्रिप. ऑल्सो हैलिटोसिस इज देयर बैड ब्रेथ. ये सब उसके सीवियर सिम्टम्स है. व्हेन व्हेन इट टर्न्स इनटू क्रॉनिक sinusitis कि आपको लगातार वो आ रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ से 12 weeks और रिकरेंट होता जाता है एंड व्हेन यू डोंट गेट प्रॉपर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एट दैट टाइम. डायग्नोसिस करना इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज आप स्टार्टिंग में डायग्नोस करते हो तो यू कैन टेक अकॉर्डिंगली मेजर्स अकॉर्डिंगली. डायग्नोसिस हम कर सकते हैं स्कैनिंग या एक्सरे या एंडोस्कोप से. जी बहुत अच्छे से आपने बताया साइनस का जो कॉजेज एंड सिम्टम्स वगैरह है. इसका ट्रीटमेंट जो है वैसे तो एलोपैथी में भी होता है बट होम्योपैथी में ही इसका ट्रीटमेंट ज़्यादा अच्छा है मैंने भी सुना मैंने खुद ने भी एक्सपीरियंस किया हुआ है. तो आप क्या बता सकते हैं कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट ही क्यों साइनस के लिए. अभी जैसे होता है मैंने बोला आपको एक्यूट सब एक्यूट और क्रॉनिक उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट ले सकते हो. इनिशियल स्टेजेस में आपका कवर आपको मालूम पड़ा है डायग्नोसिस हुआ है कि ये साइनस है तो आप प्रिवेंशन में क्योर कर सकते हो. प्रिवेंटिव रेमेडीज रहते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. पर सबसे ज्यादा अभी एक्यूट sinusitis है या क्रॉनिक sinusitis है आपको कोई भी चीज में टेम्पररी रिलीफ नहीं चाहिए. इसलिए कि मैंने ये दवाई खाया है उसका इफेक्ट रहने तक दैट इज देयर सिम्टम्स गया एंड देन दे कम बैक अगेन. बट इट्स नॉट विद होम्योपैथी वी गिव अ लॉन्ग लास्टिंग एंड परमानेंट क्योर टू जो भी आपके सिम्टम्स है. सबसे पहले तो वो इट इज अ सेफेस्ट पैथी इट डजंट हैव एनी साइड इफेक्ट्स. आप कोई भी ओवरडोज लो ज्यादा मेडिसिन लो अलग टाइम पे लो ज्यादा खाओ देयर इज नो साइड इफेक्ट. होम्योपैथिक मेडिसिन आर मेड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज दैट इज द फर्स्ट रीजन. सेकेंड रीजन इज इट क्योर्स योर डिजीज परमानेंटली. जैसे आपको sinusitis है तो हम लोग जाएंगे आपके रूट कॉज तक क्यों हो रहा है आपको ये बार बार ये आपका रूट कॉज ही हम लोग एलिमिनेट कर देंगे. That is how it will give you a long-lasting permanent cure. We cure from inside out. Okay. Body के deep तक हम लोग जाएंगे क्यों ये sinusitis हो रहा है. We'll take all the history में हम लोग आपके body को as a whole study करेंगे. जी. As a whole in the sense we'll consider everything. Not only आपको sinusitis क्यों हो रहा है, but we'll consider why it is happening according. उसके साथ में आपको क्या-क्या symptoms आ रहे हैं, वो भी हम लोग cure करेंगे. तो as a whole we'll cure you. एंड दैट इज हाउ इट वी गो फ्रॉम द रूट कॉज. एज अ होल मैं जब आपको बताऊंगी तो मैं ये भी आपको बताऊंगी आपका जो डिजीज होता है इट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द फिजिकल रीजन्स
या पैथोलॉजिकल जो इफेक्ट्स होते हैं, आपके फैमिली में जेनेटिक हिस्ट्री रहता है या तो बचपन से आपको जो जो चीजें हुई है उसका इफेक्ट भी उसके ऊपर होता है. तो वी कंसिडर ऑल द पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, द जेनेटिक बैकग्राउंड, एवरीथिंग, एंड दैट इज हाउ द डिसीज का परमानेंट क्योर होता है. डॉक्टर पद्मजा, आपने ट्रीटमेंट बताया, मुझे एक चीज और जाननी थी. ये तो सब हुआ मेडिकल ट्रीटमेंट, क्या इसकी कोई होम रेमेडी भी है? होम रेमेडीज है. उससे पहले कि मैं बताऊंगी आपको, डाइटरी लाइफस्टाइल जो है आपका वो करेक्ट करना चाहिए. मैंने बोला जैसे आपको इम्यूनिटी लो है तो ये सब चीजें आपको जल्दी कैच कर जाती है. तो यू मेक योर लाइफस्टाइल हेल्दी, जैसे कि आप फूड हैबिट्स आपके ऐसे बनाओ जो इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग हो जाए. ओके, यू कैन कंसल्ट अ प्रॉपर डाइटिशियन फॉर दैट. और जो आपका एनवायरनमेंट है घर में, डस्ट फ्री रखो, क्लीन हाइजीनिक रखो, डस्टिंग वैक्यूमिंग, दिस शुड बी डन इन अ रेगुलर बेसिस. ये दो चीज़ें हो गए. होम रेमेडीज तो बहुत सारे रहते हैं, जैसे कि वॉर्म, ये सब रहता है. जब सर्दी होती है तो नॉर्मली हम लोग तो ये सब करते हैं, स्टीम इनहलेशन, वॉर्म एप्लीकेशन, टर्मरिक मिल्क यू कैन टेक, हर्बल टीज आते हैं बहुत सारे आजकल, हल्दी डाल के. हल्दी इज अ गुड एंटी ऑक्सीडेंट एंड डिसइंफेक्टेंट. हर्बल टीज यू कैन टेक, जैसे कि क्लोव, तुलसी, सिनमन, ये सब डाल के, पेपर, ब्लैक पेपर डाल के. दैट आर दी होम रेमेडीज. दिस जस्ट यू कैन यूज फॉर प्रिवेंशन ऑफ द sinusitis. बट ये जो पैथोलॉजिकल सब हो जाता है, सीवियर पेन एंड ऑल, सो एट दैट टाइम यू नीड प्रॉपर मेडिसिन. आई एम श्योर फ्रेंड्स, आप लोगों को आज का टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा. आप हमारे अगले टॉपिक को देखना चाहिए.